पुलिस व वन विभाग ने मलहड़ी स्कूल के समीप अवैध रूप से काटे खैर से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी है। पुलिस चौकी जोगो के तहत आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी चालक की पहचान नरेश कुमार पुत्र दाताराम निवासी खोबला नंद राम शहर व गोपाल सिंह पुत्र सरवन कुमार निवासी खोबला नंद राम शहर से हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस व वन विभाग ने मलहड़ी के समीप संयुक्त नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक पिकअप गाड़ी को रूटीन चेकिंग पर रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर 79 खैर के मोछे बरामद हुए। गाड़ी चालक के पास किसी तरह का परमिट नहीं पाया गया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक व परिचालक को पकड़ा और गाड़ी को हिरासत में ले लिया। पुलिस चौकी जोगो के तहत वन अधिनियम की धारा 41, 42 समेत 379 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने लकड़ी से भरी पिकअप गाड़ी को वन विभाग को सौंप दिया है। डीएसपी प्रियांक गुप्ता ने बताया कि रूटीन नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को पकड़ा गया है, जिसमें अवैध रूप से खैर की तस्करी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि दो आरोपियों को पकड़ा है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। जो आज रात की जो है टीम पुलिस चौकी जोगो की ने संयुक्त नाकाबंदी जो है फॉरेस्ट टीम के साथ की थी, और इसमें जो चौकी इंचार्ज है स्वयं मौजूद थे, तो उस समय जो है उनके पास एक गाड़ी जो है HP 12Q5802 जो है वो उनकी तरफ आ रही थी। तो उसको जब गाड़ी को उन्होंने रोक के जब चेक किया, तो उसमें जो है 79 जो है खैर के जो है मोछे जो है खैर की लकड़ी जो है वो पाई गई है। और इस संदर्भ में जो है दो व्यक्ति जो रामशहर के निवासी हैं, उनको जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई उसके रिलेशन में कोई भी कागजात लाइसेंस पेश नहीं कर पाए। तो इस संदर्भ में जो FIR है वो IPC में 379 और जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है इसमें 4142 के अंतर्गत जो है FIR दर्ज कर दी गई है, और आगे जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और आगे जो है कार्रवाई में पता लगाया जाएगा कि ये पेड़ कहाँ से लाए जा रहे थे और कहाँ को ये लेके जा रहे थे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।